हेलो एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी, द सिविल इंजीनियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मैं इंजीनियर कॉर्पोरेट ट्रेनर कमलेश कुमार आपका फिर से एक बार स्वागत करते हैं हमारे नए वीडियो में। तो आज का जो वीडियो है हमारे, आप देख रहे हैं कि क्लासरूम की वीडियो है और हमारे इंजीनियर जो कि BBS का स्टीरअप सॉल्व कर रहे हैं, इनकी BBS की क्लासेस चल रही है, तो जानते हैं इंजीनियर ने कैसे कैसे सॉल्व किया है। आप वीडियो में बने रहे और आप भी सीख जाएंगे कि BBS को कैसे कैसे सॉल्व किया जाता है और बार बेंडिंग शेड्यूल में जो कि स्टीरअप में क्या डिडक्शन का प्रोसेस होता है, क्या इनर टू इनर होता है, क्या आउटर टू आउटर इसका डिडक्शन होता है। आप वीडियो में बने रहे, आपको दिखाएंगे हमारे इंजीनियर्स जो कि क्या क्या परफॉर्म किए हैं। और आप भी चाहते हैं कि हमारे ऑफलाइन ट्रेनिंग को ज्वाइन करना तो कॉल कर सकते हैं 9111001234 जो आपके वीडियो के बॉटम में दिख रहा होगा। तो इसी के साथ चलते हैं, हमारे इंजीनियर्स हैं शुभम उनियाल, क्या सॉल्व किए हैं सर? BBS ऑफ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स। रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, इसमें साइज क्या क्या है आपका? जी सर 400x350 का। ठीक है, उसको बताइए कैसे कैसे सॉल्व किया आप, कौन से मेथड से सॉल्व, सेंटर टू सेंटर किया। चलिए ठीक है। हाँ जी सर, पहले सर हमने ए लिया है, ए सर हमारा ये हो जाएगा, ए लिया है जो हमारा 400 है, 400 में से हमने दोनों साइड के कवर माइनस करे हैं। ठीक। और सर उसमें डाया है 8 mm की डाया है। हाँ हाँ। तो सर हाफ डाया माइनस करा है, तो चार इधर से माइनस किया है, चार इधर से किया है, तो 4 - 4 सर ये 312 आ गया। अच्छा, एक क्या चीज का स्टीरअप आपने सॉल्व करा है, बीम का, कॉलम का? सर कॉलम का। कॉलम का, इसमें कॉलम में क्लियर कवर कितने का डालते हैं, कवर ब्लॉक 40 mm का। चलिए ठीक है, बताइए। तो ये जो आप माइनस किए हैं 40 mm, आप कवर का माइनस किए हैं, दोनों साइड 40 mm कवर माइनस किया है, और 8 mm की डाया है सर हमारे पास, उसमें 4 mm डाया माइनस कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका निकला सर, ये आया, और ऐसी सर बी आया, बी में भी दोनों कवर माइनस करके हाफ हाफ डाया माइनस करके ये बी आया सर। ठीक। उसके बाद हमने कटिंग लेंथ निकाली है, ये फॉर्मूला लगाया 2 × a + b का, और हुक लेंथ लिए सर। हुक लेंथ क्या होता है? हुक लेंथ सर जहाँ पर स्टीरअप्स में हुक्स, इसमें बना के दिखाएंगे, यहाँ पे थोड़ा दिखाइए आप। हाँ, तो जैसे हमारा स्टीरअप्स है। हाँ। तो ये वाली जो बार आती है वो ऐसे मुड़ जाती है, और हाँ, ये वाली जो बार कितने डिग्री पर बैंड करती है सर? ये 135 डिग्री। चलिए ठीक है, आगे बताइए सर। हुक लेंथ 135 डिग्री के लिए 12D लेते हैं। हाँ। तो मैंने यहाँ पे ये, इसलिए यहाँ पे 12D लिए, 12 × और 8 mm का डाया। ठीक है, ठीक है सर। ये तो कितना कटिंग लेंथ है आपका? 940 mm और 0.9 एक स्टीरअप का। एक स्टीरअप का अगर आप निकाल लेते हैं तो इसको अगर जितना भी नंबर ऑफ स्टीरअप लगेगा उसमें मल्टीप्लाई करेंगे आपका निकल जाएगा टोटल स्टीरअप। तो और भी इंजीनियर से बात करते हैं, रामाकांत क्या सॉल्व कर रहे हो रामाकांत? सर हमने कटिंग लेंथ निकाली है ट्रायंगुलर स्टीरअप। ठीक है, तो उसका कटिंग लेंथ आपने कैसे कैसे फाइंड आउट किया, थोड़ा हमारे व्यूअर को बताएंगे डिटेल में। यस सर, तो हमें ड्राइंग से स्पेसिफिकेशन दिया होगा पहले, तो हमारे पास दिया है कि क्या दिया है, 8 डाय की बार है और 2 लेग स्टीरअप्स है और 130 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है, और हमें इसकी कटिंग लेंथ निकालने के लिए फार्मूला पता होना चाहिए। हमारे पास फार्मूला है 2h + a + 24 d है हमारे पास, d डाय रिप्रेजेंट करता है। ठीक ठीक। तो सर हमें पता है जब हमारे पास 2h है तो h मतलब हाइट। हाँ हाँ। क्योंकि ट्रायंगल में तो हाइट चाहिए होगी, तो हाइट निकालनी है हमें, और हमारे पास ड्राइंग में भी साफ दे रखा है क्योंकि a और b दे रखे, तो हमें a और b भी कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो a और b, a हमारी, a हम हॉरिजॉन्टल लेंथ है और b हमारी परपेंडिकुलर लेंथ है, तो हम हिसाब से a निकाल लेंगे। तो a हमारे पास 400 है, तो सर 400 यहाँ ये आउटर टू आउटर है। हाँ। तो इसके अंदर कवर आएगा, तो हम दोनों साइड से कवर को माइनस कर देंगे। ठीक। और इसके सेंटर पे पहुँचने के लिए हम स्टीरअप जो हमारी बार होगी उसका हाफ डाया माइनस करेंगे दोनों साइड से, तो हमारा ए निकल जाएगा। हाँ। और सेम इसी कंडीशन में हमारा बी निकल जाएगा, दोनों साइड से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूरी ले लेंगे और उसमें से दोनों साइड का डाया माइनस कर देंगे और कवर माइनस कर देंगे, तो हमारा बी निकल जाएगा, ए और बी निकल गया सर। और तो हमें अब एच निकालना है, एच मतलब हाइपोटेनियस निकालना है हमें एक तरीके से। हाइपोटेनियस इसमें बताएंगे? यस सर। तो फिगर में आप बताएंगे हाइपोटेनियस किधर आपका निकालना बाकी है? ये हम एच, ये हमें निकालना है हाइपोटेनियस। ठीक ठीक। यस सर, तो हमें, हम अपने फॉर्मूला पहले से भी पढ़ते हैं, और हाइपोटेनियस निकालने के लिए क्या हो जाएगा सर, बेस का स्क्वायर हो जाएगा, रूट बेस का स्क्वायर हो जाएगा और परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक ठीक। तो इस हिसाब से हमारा हाइपोटेनियस निकल जाएगा, हम अपनी जो भी हमारी क्वांटिटी होगी इसमें डाल देंगे और निकल जाएगा, हमारा एच भी निकल जाएगा, बस पूरी वैल्यू जो है इसको हमें फॉर्मूला में डालना है, हमारी कटिंग लेंथ आ जाएगी, जो हमारी कटिंग लेंथ 112 mm आई है। इसमें है कि यूनिट वेट का जो फार्मूला होता है, जो स्टील का जो वेट निकालते हैं उसका फार्मूला क्या होता है?
डीवीएस के लिए सर डाया का स्क्वायर हो जाता है और अपॉन में 162.2 2.2 डाया ऑफ स्टीरअप जी, ठीक है डी डाया ऑफ स्टीरअप को रिपोर्ट। अच्छा, उसमें जो बैंड डिडक्शन जो होता है तो बैंड डिडक्शन कैसे कैसे होता है सर? बैंड डिडक्शन एंगल के हिसाब से होता है, एंगल के हिसाब से 45 के लिए 1D हो गया, 90 के लिए 2D हो गया, 2D हो गया, 35 के लिए हमारा हो जाएगा 3D। अब 180 डिग्री अगर करना हो तो 4D हो जाएगा, 4D हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे आपने देखा कि हमारे इंजीनियर्स ने कटिंग लेंथ ऑफ स्टीरअप आपको दिखाया है सॉल्व करके, और इसी तरह के नॉलेजबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।